कानून बोलता कि आप धर्म बदलो किसी का, कौन सा कानून है? हाँ धर्म ही बदलो ना, वो प्रचार किस चीज का प्रचार कर रहे एथिकल न पढ़ाओ, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, यहाँ लोगों को धर्मांतरण कराने की आवश्यकता नहीं, आप धर्म क्यों मोटिवेट? 25 बताता है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मीडिया कर्मी जो है इस बात को बता रहा है कि नहीं, हमें आर्टिकल 25 नहीं आता समझ में। आइए आगे वीडियो देखते हैं। क्यों पूछ रहे हैं आप? जिसको पूछना होगा चर्च में जाएगा, जिसको मंदिर आना होगा मंदिर में आएगा, तो आप क्यों गाइड कर रहे हैं फिर? आप क्यों गाइड कर रहे हैं फिर? आप ऊपर से हमें आर्टिकल सिखा रहे हैं, कानून सिखा रहे हैं आप हमें? तो पूछना होगा वो मंदिर जाएगा चर्च जाएगा, लेकिन इस भाई को ये नहीं पता कि राह चलते हुए हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार लोगों को अपने धर्म की अच्छाइयाँ के बारे में बता सकते हैं। मेरे मसीह भाइयों, आइए आगे वीडियो देखते हैं। वीडियो को शेयर कर देने, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि शिमला के रेत मैदान पे इन लड़कियों की आप शक्ल देख सकते हैं, ये जहाँ कहीं भी आपको मिले हैं इनके बहकावे में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ये लड़कियाँ ईसाई धर्म क्या चीज है ये? परमेश्वर दूसरी बार आने वाले मसीह है। एक्चुअली हम बाइबल से बताते हैं, जो लोग बाइबल में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग नहीं रखते उन्हें नहीं एक्चुअली बाइबल में जो इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा, आप कहाँ से? हिंदू हो आप ईसाई हो? एक्चुअली हम ईसाई है। ईसाई हैं आप? तो यहाँ धर्मांतरण का काम कर रहे हैं आप? नहीं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो इंटरेस्ट रखते नहीं, इंटरेस्ट वो खुद आएंगे ना, इंटरेस्ट वाले लोग है वो क्या बोलते हैं किसी को कि आप क्या कहते हैं सनातन में अपनाओ या सनातन वो करो, तुम राम को मान लो या शिव जी को मान लो, कभी क्या कहते हैं कोई बोला, तो आप क्यों क्या कहते हैं ये करते नहीं, क्या क्या इंटरेस्ट क्यों रखते हैं, इसका मतलब क्या है? क्यों कर सकते थे यार, क्यों कर सकते? आपका कोई प्रूफ है? आप कार्ड हो जाओ क्या कहते हैं, आपको गवर्नमेंट से प्रूफ है आपकी, आप क्या कहते हैं धर्म धर्म वो चेंज कर सकते हैं? आप जाओ जरा कार्ड, अरे कोई कानून नहीं बोलता कि आप धर्म बदलो किसी का, कौन सा कानून है? हाँ धर्म ही बदलो ना, वो प्रचार किस चीज का प्रचार कर रहे हैं? एथिकल न पढ़ाओ, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, यहाँ लोगों को धर्मांतरण कराने की आवश्यकता नहीं, आप धर्मांतरण का सीधा सीधा काम कर रहे हैं, आप प्रचार नहीं कर रहे हैं, हमें आप धर्मांतरण हमें बताए सब कुछ कर रहे हो, हमें बताए सरेआम बोल रहे हैं आप? क्यों मोटिवेट नहीं, क्यों पूछ रहे हैं आप? जिसको पूछना होगा चर्च में जाएगा, जिसको मंदिर आना होगा मंदिर में आएगा, तो आप क्यों गाइड कर रहे हैं फिर? आप क्यों गाइड कर रहे हैं फिर? आप ऊपर से हमें आर्टिकल सिखा रहे हैं, कानून सिखा रहे हैं आप हमें? कानून सिखा रहे हैं आप हमारे? हमारा कोई ब्राह्मण आ रहा है आपके पास की क्या कहते हैं आप राम को मानो या श्री कृष्ण को मानो? आए आपके पास क्या? कितने हिंदू आपके पास आए? कोई आपको एडवाइस कर रहा है? कितने हिंदू आए? जी हाँ दोस्तों, आप इसमें लाइव तस्वीरें शिमला के रिज मैदान से देख रहे हैं, और रिज मैदान पे इस समय ये दो लड़कियां जो है वो सीधा सीधा धर्मांतरण कराने का कार्य जो है वो यहाँ पर चल रहा है, लोगों को बरगलाने का काम यहाँ पर ईसा मसीह के नाम से या किसी के भी नाम से जो है वो यहाँ पर लोगों को बरगलाया जा रहा है। तो कृपया आप हमारे साथ जुड़े रहें और बने रहें, और इस वीडियो को शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि शिमला के रिज मैदान पे इन लड़कियों की आप शक्ल देख सकते हैं, ये जहाँ कहीं भी आपको मिले हैं इनके बहकावे में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ये लड़कियां ईसाई धर्म से हैं और ये लोगों को धर्म परिवर्तन करवा रही हैं, और यहाँ से भी ये जाती हुई नजर आ रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। मेरे मसीही भाई बहनों, जैसा कि अभी आपने वीडियो क्लिप के अंदर आपने देखा कि किस तरीका से एक महिला को जो यीशु का प्रचार प्रसार कर रही है, वो शिमला का वीडियो है, और एक मीडिया कर्मी जो है इस बात को बता रहा है कि आप लोग जो हैं ईसाई धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्या यीशु के बारे में अच्छाई के बारे में बताने के लिए क्या धर्म परिवर्तन? उस मीडिया और उस व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता कि धर्म परिवर्तन जो होता है कलेक्टर ऑफिस में होता है, कोर्ट में होता है, ना कि सुसमाचार सुनने से और सुसमाचार को ग्रहण करने से। जी हाँ, इन दोनों चीज़ को करने से कोई ईसाई लोग जो है किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। जब तक स्वेच्छा से वे व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और कोर्ट में जाके बताता है, कलेक्टर ऑफिस जाके बताता है कि हाँ हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता को रूप में स्वीकार करते हैं तब। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर दुख की बात यह है कि एक महिला को, जो महिला है पुरुष नहीं है, महिला है, और दोनों महिला के सामने
फेस कैमरा फेस करके उसकी आज जो है यीशु मसीह के नाम से कितनी बदनामी उठाया जा रहा है, कितनी बताया जा रहा है, ये सच में बहुत ही दुख की बात है। और आज लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरे मसीह भाई नो जीसस बुलाता है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और यह घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाए। खुदावंद की रूह मुझ पर है, उसने मुझे इसलिए चुना है कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि असीरों को रिहाई और अंधों को बीनाई दूं, मजलूमों को छुड़ाऊं और ऐलान करूं कि वो वक्त आ गया है जब खुदावंद अपने लोगों को बचाएगा।